उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौड़ा के प्रबंधन समिति की बैठक प्रबंधन समिति अध्यक्ष सह विधायक राम रतन सिंह के अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें तेगरा प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो, भूमिदाता सदस्य रूपेश कुमार, प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार सहनी आदि शामिल हुए। बैठक का संचालन करते हुए शिक्षक अविनाश शास्त्री ने विद्यालय के शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्तमान में उच्च विद्यालय में कुल 362 छात्र छात्रा, 12वीं में 240 छात्र छात्रा नामांकित हैं एवं 11वीं में अभी तक लगभग 75% सीटों पर नामांकन हो चुका है। विगत सत्र में मैट्रिक एवं इंटर की वार्षिक परीक्षा में 80% से अधिक छात्र सफल हुए हैं, जो कि गौरव का विषय है। गौड़ा विद्यालय के छात्र शिक्षा के साथ साथ अन्य शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं, जिसके अंतर्गत विगत सत्र नेक्रोस वर्ड प्रतियोगिता तेगरा प्रखंड का प्रतिनिधित्व गौड़ा विद्यालय नहीं किया था। बैठक में विकास संबंधी प्रस्ताव रखते हुए शिक्षक रवि कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग की परिकल्पना के अनुसार गौड़ा विद्यालय को नई तकनीकी एवं आधारभूत संरचना से व्यवस्थित करने के लिए आज की बैठक आयोजित की गई है, जिसके अंतर्गत विद्यालय विकास कोष से CCTV कैमरा, टूटे हुए छत एवं दीवारों का मरम्मतीकरण, अन्य फर्नीचर उपकरणों की खरीदारी करने का लक्ष्य है। प्रबंधन समिति बैठक समाप्ति के पश्चात विधायक राम रतन सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो ने विद्या मिल में चल रहे विभिन्न वर्गों का भी जायजा लिया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी शिक्षक की भूमिका में नजर आए। नवम वर्ग में विज्ञान की कक्षा संचालित हो रही थी और इसी बीच बड़ कक्ष में प्रबंधन समिति के सभी सदस्य पहुंचे एवं छात्रों से विज्ञान संबंधित प्रश्नों को पूछा, जिस पर छात्रों द्वारा संतोष पत्र उत्तर पाकर पदाधिकारी गदगद दिखे एवं विधायक राम रतन सिंह ने कहा कि आज मुझे गौड़ा विद्यालय में दूसरी बार आने का मौका मिला है, लेकर नया गर्व के साथ कह सकता हूं कि गौड़ा विद्यालय के शैक्षणिक प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही बेहतर है। बैठक में उपस्थित अतिथियों का अंग वस्त्र से स्वागत प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार सहनी ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन बढ़िया शिक्षक गोपाल कुमार ने किया।